अच्छी तरह जानते हो कि हमारी नजर में गद्दार की एक ही सजा है, मारिए इसे और तब तक मारिए जब तक ये मरना चाहे। रुकिए। आसमान ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया अब तक और आसमा यहाँ। अब बता, तू यहाँ नूर को लेने आया था? क्या यही तेरा मकसद था या कोई बहुत बड़ा प्लान था? बोल। ये क्या आसमा? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी भी हाल में आसमा को बचाना होगा। बोलता है या इसकी गर्दन उड़ाते हम? कासिम, इसका सर कलम करके हमारे कदमों में फेंक दो। अगर मेरी आसमा को हाथ भी लगाया ना, रब भी सो, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। शो की कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं अरमान सरहद पार आ चुका है, वो भी अपनी आसमा के लिए। आसमा जो है सुहाना से पूछती है कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। सुहाना बताती है कि जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उस व्यक्ति का नाम है अरमान। और यहां पर जो है आसमा जब अरमान की ओर आगे बढ़ती है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। अब आसमा अपनी आप बीती बताती है और अरमान भी बताता है कि क्या क्या उसके साथ हुआ, उसने कितना उसे मिस किया। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तोड़ते तोड़ते कर दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे होते तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। पता नहीं माँ साहिब ने क्या किया होगा अरमान के साथ। बाबा जी प्लीज प्लीज अरमान को कुछ मत होने दे। तुझे क्या लगा? अब ऐसे में अरमान और आसमा का मिलन तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अचानक से बेगम साहिबा आ जाती है। अरमान को अकेला देखकर वो उसे पूछताछ करने लगती है। अब वहीं पर दूसरी ओर मुर्तजिम जो है अरमान को बचाएगा बेगम साहिबा से, लेकिन क्या अरमान और आसमा की मंजिल एक हो पाएगी? जहां पर आसमा की शादी मुर्तजिम से होने वाली है तो क्या वहीं पर अरमान और आसमा अपने वतन लौट पाएंगे? आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब जो है इन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना जो करना पड़ेगा और इस चुनौतियों का सामना करके ये अपने वतन वापस लौट पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। वहीं पर आपको बता दें कि मुर्तजिम जो है निकाह करने वाला है आसमा यानी कि नूर के साथ, और यहां पर अरमान भी जो है आसमा को लेने के लिए आ चुका है। अब ऐसे में बेगम साहिबा भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्या करती है देखना होगा इंटरेस्टिंग। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।